नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे यूपी की खबरों की। औरैया में रेलवे क्रॉसिंग के बीचों बीच ट्रक फंस गया। दरअसल बिधुना की तरफ जा रहा था ट्रक, जो अचानक खराब हो गया, जिसके बाद जेसीबी से ट्रक को हटाकर रेलवे रूट खाली कराया गया। अछलदा रेलवे क्रॉसिंग पर देर रात का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर जान ले ली गई। दरअसल पैसों के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मकान मालिक पर ही जान लेने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अम्बेडकर नगर में किसान कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की लड़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए अब राष्ट्रीय लोकदल जन चौधरी की अगुवाई में अम्बेडकर नगर जनपद में 15 मार्च को किसान महापंचायत करने जा रही है, जिसमें आसपास के कई जिलों के किसानों के आने की संभावना है। कौशाम्बी जिले में सड़कों के लिए अभिशाप बन चुकी ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। ओवरलोडिंग की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए रिटायर्ड फौजियों की मदद ली जा रही है। इस योजना के तहत रिटायर्ड फौजियों को खनन चौकी और अन्य पॉइंट पर तैनात किया गया है। कुंभ के दौरान होने वाले साईं तीसरे स्लैम को लेकर जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं तीनों ही प्रमुख खालों के श्री महंतों के साथ सैकड़ों खालसा साधु संत खालसे उत्साहित हैं और वो शाही पेशवाई को लेकर कुंभ स्थल से वृंदावन पर घुमाने के लिए निकल चुके हैं, जो कि बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचेगी। मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां कलियों के पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बेटी के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। वहीं गंभीर हालत के चलते मासूम बच्ची को जंगल में छोड़कर आरोपी पिता फरार हो गया। बहरहाल घटना के बाद मासूम बच्ची के चाचा ने पुलिस में कलियुगी भाई के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर हुए हमले पर उन्होंने कहा है कि मारपीट करना और हल्ला बोलकर दहशत पैदा करना इनका पुराना चरित्र है और इसी चरित्र पर ये दोबारा चल पड़े हैं। जनता इनको इस बार भी खारिज करेगी। अलीगढ़ के इगलास में स्वागत समारोह में गए विधायक को प्रदर्शन का विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने इगलास विधायक और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से विधायक वो बने हैं, तब से किसी भी समस्या का निस्तारण उन्होंने नहीं किया है। वहीं बीजेपी को किसान विरोधी बताया, जिसके बाद उल्टे पैर गाड़ी से वापस लौटते हुए विधायक नजर आए। अमर शहीद ठाकुर चैन सिंह मरकाम के चित्र अनावरण कार्यक्रम में निगरी पहुंची सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक ने मन से कुछ ऐसा कह दिया कि वहां मौजूद ग्रामीणों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा में कॉलेज खोलने के वादे को झूठा साबित कर दिया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के वादे के बाद भी 2018 से सांसद विधायक आते रहे, पर कॉलेज नहीं खुल पाया। सिंगरौली जिले के पिड़ताली कुशवाई में शासकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन सिंगरौली विधायक रामलल्लू बेस के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, पूर्व जिलाध्यक्ष राम सूरीमन गुप्ता, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष विजय बैंस, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग और पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और छात्राएं मौजूद रही। समर में भूसा लदा ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब भूसा लदकर ट्रैक्टर सामने से आ रहे तेज गति ट्रक की साइड लगने से अनियंत्रित हो गया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कासगंज पहुंचे और उन्होंने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। वहीं अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य के नारे से विशाल पंडाल गूंज उठा। पंडाल में भारी भीड़ देखकर अखिलेश यादव गदगद हो गए। उनके साथ तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम में इस समय अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में आज तीसरा शाही स्नान बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें जहां सुबह तीनों अखाड़ों के श्री महंतों के साथ ध्वजा पताका के साथ ऊंट और घोड़ों की शाही सवारी पेशवाई निकली, जो कि वृंदावन की परिक्रमा करते हुए बांके बिहारी के दर्शन को पहुंची, जहाँ से नागा साधुओं के साथ ये शाही सवारी यमुना घाट स्थित शाही स्नान घाट पर आई।
संभल में भांग की पकौड़ी और शराब के सेवन से दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अचानक दो लोगों की मौत के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी संजीव रंजन और SP चक्रेश मिश्रा ने गांव पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली, जहां बताया गया कि बीते दो दिन पहले शिवरात्रि के दौरान कई लोगों ने मेले में एक साथ भांग और शराब का सेवन किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पीलीभीत में बाघ की दहशत लगातार कायम है। बीते दो दिनों से बाघ ने गांव के खेत में अपना डेरा जमाया हुआ है। बीते दिन बाघ ने नीलगाय को भी अपना शिकार बनाया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने खेतों की जाल से घेराबंदी कर दी है। थाना जहानाबाद इलाके के हरचुया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संभल के गन्नौर में बलेरो की टक्कर से बाइक सवार अध्यापक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं शिक्षक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसा बदायूं मेरठ मार्ग पर हुआ, जब बबराला के रहने वाले दयाशंकर गुप्ता निजी स्कूल से पढ़ाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी, इससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। अमरोहा जिला अस्पताल में नौगवा सादत विधानसभा की विधायक संगीता चौहान ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और कहा कि वैक्सीन से किसी को कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदायूं के इस्लामी इंटर कॉलेज में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को साइकिलें और श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को चेक वितरित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला। कार्यक्रम में भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य, विधायक और नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।